पिछले वीडियो में हमने दिखाया है भारत के सातों अजूबों का। अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो फटाफट जाइए पार्ट वन देखिए, उसके बाद फिर पार्ट टू देखिए, क्योंकि पार्ट वन देखिएगा तभी पार्ट टू देखने में मजा आप लोगों को आने वाला है। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को इको पार्क ब्लॉग पार्ट टू में। अगर पिछले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। इको पार्क बहुत बड़ा है, इसी वजह से मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ गया, क्योंकि एक वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता। दूसरा पार्ट में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अब इस दूसरा पार्ट में आप लोगों को कुछ यूनिक और कुछ आकर्षक और कुछ उस टाइप का चीज़ दिखाने वाले हैं जो कि पार्क में होता है गाइस। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया के सात अजूबा हम आप लोगों को दिखा दिए गाइस, अब बारी आता है इको पार्क घुमाने का। इको पार्क का निर्माण इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया। 2012 में ममता बनर्जी द्वारा इस पार्क का उद्घाटन किया गया। हालांकि इस पार्क को इतना खूबसूरत और इतना भव्य बनाया गया जिसके वजह से देश विदेश से भी काफ़ी पर्यटक रोजाना यहाँ पे आते रहते हैं। यहाँ पे मनोरंजन के लिए भी काफ़ी कुछ है और यहाँ पे थीम भी बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग काफ़ी एंटरटेन कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन है। यहाँ पे आप ट्रेन के भी माध्यम से पूरा गार्डन को अच्छे से घूम सकते हैं। छोटा सा कार है जो कि देख सकते हैं, वो कार टाइप का गाड़ी है उससे भी, और साइकिल भी है। ये सभी चीज़ों से आप अगर घूमना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं तो घूम सकते हैं चारों तरफ से गार्डन का। हालांकि इतना बड़ा गार्डन है कि घूमते घूमते आप लोगों को सुबह से शाम हो जाएगा। हालांकि मौसम ख़राब होने की वजह से जितना संभव होगा वो सभी कुछ हम आप लोगों को दिखाएंगे। भारतीय रेलवे का भी एक थीम बनाया गया है जो कि देख सकते हैं, यह है घूम स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि आप लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो एक रेलवे स्टेशन लगेगा देखने में। हालांकि इस तरह का यहाँ पे एक ट्रेन भी चलता है जिसके माध्यम से आप पूरा गार्डन को घूम सकते हैं। गाइस तो देख सकते हैं जगह जगह पे आप लोगों को नक्शा भी मिल जाएगा, कहाँ पे क्या कुछ है वो सभी इस नक्शे में भी देख के आप आसानी से जा सकते हैं। सेवन वंडर सिर्फ अगर घूमने के लिए आप लोग आते हैं तो 4 नंबर गेट के पास चल जाइएगा और वहाँ से आप लोगों को इन करते ही सेवन वंडर पार्क मिलेगा, जहाँ पे दुनिया का 7 अजूबा एक साथ आप लोग देख सकते हैं। हालाँकि पूरा इको पार्क में जो 4 गेटें हैं आप किसी भी गेट के माध्यम से इन कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सेवन वंडर पार्क घूमना है तो 4 नंबर गेट के पास आप उतरिएगा तो आसानी से आप लोग सेवन वंडर पार्क जाके घूम सकते हैं। जिको पार्क के अंदर ही काफी बड़ा सा तालाब है जो कि देख सकते हैं, इसे छोटा नहीं भैया बहुत ही बड़ा है, जिसमें कि बोटिंग का भी सुविधा है। देख सकते हैं वहाँ पे काफी सारा बोट है जहाँ पे आप लोग पे करके फिर बोट राइड भी कर सकते हैं। बोट के साथ साथ यहाँ पे आप अपने अनुसार जैसा आप नाव चाहते हैं वैसा नाव भी मिलेगा। साइड में है कैफे एरिया और ऑफिस, इको पार्क का भी ऑफिस यहीं पर है। साइड में आपको काफी सारा फास्ट फूड भी मिल जाएगा जहाँ पर लोग खाना पीना खा सकते हैं, और ये साइकिल भी आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे घूमने के लिए, इस तरह का कुछ साइकिल भी यहाँ पे मिलेगा। ये गाड़ी देख सकते हैं, यही गाड़ी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे थे। इस गाड़ी पे भी बैठ जाइएगा या तो साइकिल ले लीजिएगा या तो खैर ये सब तो देख सकते हैं, सब नॉर्मल है यहाँ पे। यहाँ पे ये सब नॉर्मल है भैया। सो ये साइकिल भी आप ले सकते हैं और घूम सकते हैं। गाड़ी भी चलता है, गाड़ी के माध्यम से भी घूम सकते हैं, लेकिन पैदल नहीं घूमिएगा। और थोड़ा सा कुछ रोमांटिक हो जाए, गार्डन में आए हैं तो भैया कुछ रोमांटिक सीन तो देखना बनता है, तो चलो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलिए कुछ हरे भरे नज़ारे में आप हम जाते हैं, सबसे बेटर यहाँ पे आपको कुछ हरा भरा सा नज़ारा आप दिखाते हैं जो कि इस गार्डन पे आए हैं। तो भैया कुछ तो कुछ खास देखना तो बनता है, चलिए कुछ देखते हैं। आप लोगों को दिख रहा है वो आइलैंड, उस आइलैंड पे भी आप नाव के माध्यम से जा सकते हैं, उसे आप बुक कर सकते हैं।
घूम सकते हैं वहाँ पे जाके। कोलकाता का बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है ये आइलैंड। ये है 100 रुपया यहाँ का बोट चार्ज, देख सकते हैं ये है चार्ज, और इस बोट पे आप लोग जाके घूम सकते हैं। इस राउंड से यहाँ पे आप लोगों को घुमाया जाएगा और काफ़ी अच्छे सा मोमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, देख सकते हैं यही है बोट यहाँ का। अगर गाइस इस गाड़ी के माध्यम से अगर पूरा गार्डन को आप घूमना चाहते हैं तो पर व्यक्ति 100 रुपया लगेगा टिकट चार्ज, देख सकते हैं वहाँ पे है टिकट काउंटर। टिकट लेने के बाद आप लोगों को इस गाड़ी से पूरा मतलब गार्डन घूमने का मौका मिल जाएगा, आसानी से आप लोग घूम सकते हैं। मेरे ओपिनियन माने तो भैया गाड़ी ही कर लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा ये गार्डन है पैदल घूमना संभव नहीं होगा। साइड में कैफे एरिया है तो काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को हर एक जगह पर खाने पीने के सारा कुछ मिल जाएगा। गाइस तो इको पार्क के 2 नंबर गेट से अभी हम पार्क से बाहर आ चुके हैं, जितना संभव था गाइस इस व्लॉग में हम सभी कुछ आप लोगों को सभी कुछ दिखा चुके हैं। इससे आगे अगर फिर भी कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। सो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग, अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।